देखिए बड़ी खूब बढ़िया गल गया है। ये हम तोड़ के दिखा दें, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बैगन आलू और अदौरी की सब्जी बिहारी भोज वाली हमने शेयर किया है। ये बंगाल और बिहार में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और आपको हम घुमा के दिखा रहे हैं कितना स्वादिष्ट ये सब्जी बना है। पूरी पराठा चावल के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ खाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं रूपा हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन आलू और अदौरी की सब्जी। ये बिहार की भोज वाली सब्जी है फ्रेंड्स। बिहार के भोज में या किसी भी तीज त्यौहार में इसी तरह की सब्जी बनाकर वहाँ लोग खाते हैं। वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी समय मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बैगन ले लिए हैं। बैगन मेरे पास छोटी छोटी था तो छोटी छोटी वाले बैगन ले लिए हैं और दो आलू लिए हैं। आलू मीडियम साइज का है। यहाँ पर लिए हैं अदौरी। बिहार में इसे अदौरी कहते हैं, जिसको आप लोग बड़ी कहते हैं ना, बिहार के लोग इसे अदौरी कहते हैं। ये ना उड़द दाल वाला अदौरी है। उड़द दाल वाला ही अदौरी वहाँ डाल के बनता है, इसलिए उड़द दाल वाला अदौरी हम ले लिए हैं। यहाँ पर एक बड़ा टमाटर ले लिए हैं, थोड़ा सा नमक, हल्दी और मिर्च ले लिए हैं। तीनों को मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। अदौरी को हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम बैगन काटते हैं। बैगन के सबसे पहले ये डंठल हटा देंगे, इतना बड़ा डंठल नहीं रखेंगे। अगर सूखा डंठल है तो हटा दीजिएगा, है ना। बड़ा से भी बना सकते हैं और छोटा से भी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले बीचे बीच चीरा लगा देंगे और चीरा लगाने के बाद ऐसे ऐसे हम कर देंगे, बीच से काट देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि नमक और हल्दी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए नमक हल्दी है, तीनों हम मिक्स कर दिए हैं और इसी पर हम डाल देंगे। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी ये पक जाता है। छोटा है इसलिए हम दो भाग में बांटे हैं फ्रेंड्स, और बड़ा रहता ना तो थोड़ा चौड़े साइज में काटिएगा, क्योंकि बैगन आलू के साथ ये पकेगा ना तो दिखना भी चाहिए, है ना। इसी तरह हम लगा लगा के एक तरफ रख लेंगे। आलू को लंबे साइज में हम काटेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ काट लिए हैं और आलू ना लंबे लंबे साइज में काटे हैं। वो छोटा आलू काट दीजिएगा तो वो मिक्स हो जाएगा। और बैगन भी हम दो दो फाक में किए हैं, क्योंकि ये छोटा वाला बैगन है फ्रेंड्स, और बड़ा बैगन होता तो चार फाक में हम इसे बांटते। और यहीं पर लिए हैं एक छोटी प्याज। प्याज को हम बारीक काट लेंगे, है ना। चलिए अब चूल्हे के पास चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहीं पर डाल दिए हैं सरसों का तेल, और तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे सबसे पहले अदौरी, है ना। अदौरी को भून लेंगे। ये अदौरी फ्रेंड्स घर का बना हुआ है। अदौरी की रेसिपी हम डाल चुके हैं अपने चैनल पर, अगर आप देखना चाहें तो इसे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो इसका लिंक हम दे देंगे, है ना, तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए अदौरी ना अच्छे से भून गया है, दोनों तरफ हम पलट पलट के भून लिए हैं, है ना। अब निकाल देंगे एक प्लेट में, इसी प्लेट में, अदौरी वाला प्लेट में ही निकाल के रख लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया अदौरी हमने भून लिया है। इसी में हम एक एक करके बैगन भी भून लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए दोनों तरफ से हमने बैगन सेक लिया है, है ना, अच्छे से ये पक गया है। अब एक एक करके हम बैगन को निकाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया लाल किए, पीठ भी सेक लिए हैं और इधर का भी हम सेक लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर बढ़ाएंगे तेल। थोड़ा सा तेल कम लग रहा है, यहीं पर डालेंगे एक छोटी चम्मच हम मेथी दाना। मेथी दाना फूल गया फ्रेंड्स, यहीं पर डालेंगे प्याज, और जो नमक बचा था ना फ्रेंड्स, नमक और मिर्च हल्दी, और इसी में अदरक एक इंच के करीब हम कूच लिए हैं, ये भी डाल देंगे साथ में। यहीं पर डाल देंगे टमाटर। टमाटर थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, खट्टा अच्छा लगता है ना बैगन की सब्जी। इसमें आमचूर पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देसी टमाटर है फ्रेंड्स। अब अच्छे से इसे गला लेंगे। यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया जीरा का पाउडर है, ज़रा ज़रा सा डालिएगा। 250 मेरा बैगन था फ्रेंड्स, उसी अनुसार हम सब्जी लिए हैं। सब कितना आप सब्जी बना रहे हैं
तो आप ना अपने अनुसार यहाँ पर मसाला का प्रयोग कीजिएगा। अब डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया जीरा का पाउडर डाले हैं, हल्दी पाउडर डाले हैं। फ्रेंड्स देखिए प्याज और टमाटर गल गया है, टमाटर तो बहुत जल्दी गल गया है क्योंकि देसी टमाटर है ना फ्रेंड्स। अब इसी टमाटर में से एक आधो हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सजाने के काम में आएगा, ऊपर से डाल देंगे सो देखने में अच्छा लगता है। अब डाल देंगे हम आलू जो काटे हैं लंबे साइज में, आलू की मोटाई ना बहुत मोटा काटे हैं ना बहुत पतला काटे हैं, बीच का काटे हैं। यही डाल देंगे हम लहसुन का पेस्ट, यही डालेंगे तीखी मिर्च, तीखी मिर्च नहीं डाले थे फ्रेंड्स इसीलिए तीखी मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा प्याज का प्रयोग नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्याज का प्रयोग कर दीजिएगा ना तो मीठा सब्जी बन जाएगा, थोड़ है ना चटक चाहिए ना सब्जी भोज वाली है का, इसीलिए प्याज का प्रयोग थोड़ा बहुत ही कीजिएगा। और यही डाल देंगे हींग, आलू भी गलते रहेगा और मसाला भी भूनते रहेगा इसीलिए यहीं पर प्रयोग कर दिए हैं फ्रेंड्स। यहीं पर लिए हैं कसूरी मेथी, कसूरी मेथी भी हम यहीं पर डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर इसमें सब समा जाए, है ना। चलिए इसे पका लेते हैं, आलू गला लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, धीमा आंच करके सिर्फ गलाएंगे क्योंकि आलू कच्चा था ना फ्रेंड्स इसीलिए ढकना तो पड़ेगा ही, और आलू को फ्राई नहीं किए ना तो जो मोटा वाला आलू है उसी को हम देख लेते हैं कि गला है कि नहीं गला है। देखिए आलू को बढ़िया गल गया है, है ना। अब आलू गलने के बाद हम अदौरी डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये घर में बनाया ना हम खुद बनाए हैं, इसी का वीडियो हम डाल रखे हैं इसलिए यहाँ बाद में हम डाल रहे हैं। बाज़ार वाला जो बड़ी होती है ना वो बहुत हार्ड होता है ना, तो आलू के साथ हम छौंकते तब जाके ये गलता, लेकिन ये बाद में डाल पर भी गल जाएगा। अब इसे भूनेंगे फ्रेंड्स, है ना, बड़ी के साथ ढक ढक के भूनेंगे। अगर ज़्यादा भी बनाइएगा तब भी प्याज की मात्रा थोड़ा कम ही डालिएगा, प्याज से सब्जी थोत हो जाता है फ्रेंड्स बैगन आलू के, आइए चटक बनता है ना। बिहार बंगाल के भोज में, शादी ब्याह में या कोई भी शुभ काम में बैगन आलू में अदौरी देकर बनता है फ्रेंड्स, और इसीलिए ये रेसिपी हम शेयर किए हैं। चलिए थोड़ा 5 मिनट भून लेते हैं, फिर जब पानी डालेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है और देखिए ये तेल ना किनारे किनारे छोड़ रहा है ना, भूनते भूनते, और चिपक रहा है काफ़ी, मसाला गल गया है ना। लगा लिपटा बनता है, बहुत पतला नहीं इसका ग्रेवी होता है, भोज में बनता है फ्रेंड्स तो बहुत सारा मात्रा में बनता है ना, तो लगा लिपटा ही मिलता है। ये पूड़ी के साथ चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, इनफैक्ट हमारे बिहार में तो चावल के साथ ज़्यादा खाया जाता है, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। पानी हम डालेंगे फ्रेंड्स, अब यहीं पर डाल देंगे बैगन, है ना, बैगन भी डाल देते हैं। बैगन के अंदर अंदर तक ये नमक चला गया होगा क्योंकि बीच में से जो काटे हैं ना फ्रेंड्स ऐसे से, इसी से ये नमक चला जाता है। मसाला के साथ बैगन भी पकेगा ना तो खूब बढ़िया चटकदार बनेगा। अब फ्रेंड्स इसे ढक देते हैं, ढक के आंच को धीमा कर देंगे ताकि बड़ी गल जाए और सारा मसाला बैगन में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स अब खोल के हम देख लेते हैं कि इसमें नमक है कि नहीं है, क्या कमी है। खूब बढ़िया बना है फ्रेंड्स, परफेक्ट, इसमें खट्टापन है, इसमें नमक थोड़ा कम है, अदौरी नमक खींच लिया है ना फ्रेंड्स इसीलिए। और नमक का प्रयोग मसाला में बहुत कम ही डाले थे, जो नमक हम यूज किए थे ना बैगन में लपेटे थे नमक मिर्च, वही लपेटे हुए हैं इसलिए नमक डालना भूल गए हैं, इसीलिए नमक यहाँ कम है, बाकी खटापन अब पर्याप्त है इसमें। बैगन थोड़ा खट्टी ही अच्छी लगती है ना, ये
खूब बढ़िया गल गया है फ्रेंड्स, है ना। बड़ी भी खूब बढ़िया गल गया है, ढक के छोड़ देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब खोल के हम देख लेते हैं सब्जी। फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया ये बैगन आलू के हम सब्जी तैयार किए हैं। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। इसी प्लेट में हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स। और ये ना सब्जी लागा लिपटा ही बनता है। यही पर रखेंगे फ्रेंड्स टमाटर जो निकाल के रखे हैं सजाने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर बैगन आलू और दौरी की सब्जी हमने तैयार कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। फ्रेंड्स जाते जाते लाइक तो करते जाइए। इतना देर तक मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।